अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैक्रोनी क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है, वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये बेहतरीन सी रेसिपी है। चले आएँ, इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं दिखा देती हूँ। एक अदद मैंने एप्पल लिया, इसकी मैंने कटिंग नहीं की क्योंकि इसको काट के रख दें तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये उसी वक्त मैं काटूंगी जब मिक्सिंग करनी है। एक अदद मैंने फ्रूट कॉकटेल का पैकेट लिया है, इसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं। इसके अलावा मैंने ये मेयोनीज़ ली है, ये तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर है। एक अदद फ्रेश क्रीम का पैकेट लिया है। मैक्रोनी मैंने तकरीबन 1 कप लेके उसको बॉयल कर लिया था। इसमें चीनी शुगर पाउडर मैंने लिया है, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है। किशमिश भी मैंने ली है और इसमें पिस्ता भी जाएगा। और ये कुछ मैंने मुरब्बे लिए हैं जो स्वीट डिशेस में डालते हैं, इससे मैं डेकोरेशन भी करूँगी और मिक्स भी कर लूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये मुरब्बा जात डाल सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत ही मज़े का बनेगा। चले आए जल्दी से इस क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्पल की कटिंग कर लेते हैं। छिलके उतारने के बाद इसकी बारीक क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। एक बाउल में सबसे पहले आप क्रीम निकाल लें, साथ में ये जो मेयोनीज़ हमने ली है निकाल लें। शुगर पाउडर ऐड कर दूंगी इसमें, इसमें शुगर पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया। मैं अच्छी तरह इसे मिक्स करूंगी। सबसे पहले इसमें एप्पल डाल देंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। ये फ्रूट्स डाल दें और मैक्रोनी डाल दें, किशमिश भी ऐड कर दें इसमें। अच्छी तरह इसको अब मिक्स कर लें। फ्रूट चाट रेडी है, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अब ये मैंने कुछ पिस्ते काट के रखे हैं, ये ऊपर डाल दें। ये मुरब्बे जो हैं इनसे ऊपर डेकोरेशन कर देंगे, देखने में खूबसूरत लगता है। व्यूअर्स, मैक्रोनी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। बहुत ही मज़े की और ग़ज़ाइयत से भरपूर मैंने बनाई है और स्पेशली इफ्तारी के लिए तो ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मेरी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।